बांका शहर में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर चल रहे दुकानों पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद दुकानदारों ने बांका विधायक राम नारायण मंडल के आवास पर जाकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना स्थल पर SDO मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने दुकानदारों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। दुकानदारों की मांग थी कि हम लोग काफी दिनों से दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर हम लोग का अगर दुकान यहाँ से हटता है तो हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है एवं विधायक के घर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के भदौरिया गांव के समीप चंदन नदी के बीच में करीब 2000 वर्ष पुराना कुषाण काल में भवनों का अवशेष मिलने से ग्रामीणों में कोताहुल बना हुआ है। ग्रामीण एवं सेवानिवृत्त शिक्षक परमानंद प्रेमी ने बताया कि छठ घाट बनाने के क्रम में बड़ी बड़ी ईंटें देखी। इसकी जानकारी मिलने पर वह गाँव के आलोक प्रेमी आनंद पांडे आदि के साथ नदी में पहुंचे। वहां उन लोगों ने पहले दिन करीब 50 फीट के क्षेत्रफल में कई भवन के अवशेष देखे। शनिवार को पुनः वह अन्य ग्रामीणों के साथ नदी पहुंचे। ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि भवनों का यह अवशेष कई एकड़ में फैले हुए हैं। इसकी जानकारी जिले के वरीय अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर CO सुनील कुमार, शाह थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय और निरीक्षक राजीव रंजन नदी में पहुंचे तथा अवशेष का जायजा लिया। कुछ ही देर बाद SDM मनोज कुमार चौधरी एवं SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव भी वहां पहुंच गए। SDM ने नदी में घूम कर ईंटों तथा अन्य चीजों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भदौरिया के समीप चंदन नदी में मिले अवशेष की रिपोर्ट पुरातत्व विभाग पटना को दी जा रही है। जल्द ही इस दिशा में कोई सार्थक पहल की जाएगी। इधर पुरातत्वविद सतीश कुमार ने कहा कि भदौरिया में पूर्व में भी मृद भांड मिले हैं। उन्होंने ईंट को देखकर कहा कि यह करीब 2000 वर्ष पूर्व कुषाण काल की ईंट लग रही है। उन्होंने कहा कि उस समय ईंट का आकार बड़ा होता था तथा इसे हाथ से थाप कर तैयार किया जाता था। इन ईंटों को धान के डंठल से पकाया जाता था। यह ईंट 18 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा तथा करीब 2.5 इंच मोटा होता था। चंदन नदी में मिली ईंट भी इसी आकार की देखी गई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2500 वर्ष पूर्व भदई गांव वर्तमान में भदौरिया में महात्मा बुद्ध आए थे। उनकी पहली चारिका विशाखा का नाम आता है, जिन्हें मिगर माता भी कहा जाता है। विशाखा इसी गांव की बताई जाती है।